मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि वो पहले कौरा को दिखाएं, फिर उसके बाद सूर्य भगवान को दिखाएं। हमारी जनता देखना चाहती है कि कौरा कैसा है हमारे इस गांव में। देखो भाई, ये है कौरा। इससे क्या है कि हमें 50 मीटर आगे तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। देखो, आप भी देख रहे होंगे, आपको भी दिख रहा होगा। और देखो, ये हमारे सूर्य भगवान, ये फुल कोशिश में लगे हुए हैं कि मैं इस कौरा को मिटा दूं, लेकिन कौरा भी अपना डटकर खड़ा हुआ है। ये भी जाने की फिराक में नहीं है। देखो दोस्तों, मजबूरी का आलम इसे कहते हैं। मेरे हाथों में मिट्टी लगी हुई है, लेकिन मैं धो नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पानी भी भरा हुआ है, उसकी भी उचित व्यवस्था है, लेकिन मैं अपने हाथ नहीं धो पा रहा हूँ। इसका कारण यह है कि पानी है ठंडा और मेरे हाथ है गर्म, तो इसलिए ये सर्द गर्म होने के ज़्यादा चांस रहेंगे, तो इसलिए मैं नहीं धो पाऊँगा। यारो, मुझे माफ़ करो। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे मैं खेतों में क्या कर रहा हूँ। भाई, कल हमारे खेतों में पानी लग रहा था, और पानी लगते लगते उस टाइम जब हमारी मोटर चल रही थी तो पटा टूट चुका था, तो कल हम शाम को उस पटे को जोड़ नहीं पाए, तो उस वजह से आज हमने सुबह जल्दी प्रण लिया है कि आज उसे जल्दी से जल्दी जोड़ें और अपने खेतों में पानी लगाएं, आलूओं को पानी पहुँचाएँ, क्योंकि आलू हमारे जो है 50 दिन के हो गए हैं, और आलू का साइज लगभग इतना मोटा हो चुका है कि हम अगर उसे निकाल के शायद आपको दे सकें और आप उसे सब्जी में डाल के खा सकें। हाँ, तो दोस्तों देखो, ये हमारे आलू के पेड़ है, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी, जो कैमरा दिखा रहा होगा वहाँ तक आलू है। ये जो पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आलू के ही हैं, और शायद फरवरी में इनकी खुदाई होगी, तब तक ये पक जाएंगे, और इनका साइज इतना मोटा इतना मोटा इतना मोटा और इतना मोटा भी हो सकता है, इसमें कोई संदेहजनक चीज़ नहीं है। तो डोंट वरी, आपको हम और भी चीज़ें दिखाएंगे। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टाटा, बाय बाय, जय श्री कृष्णा दोस्तों।